انقلاب 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 زندہ باد عام آدمی زندہ باد عام آدمی زندہ باد मंच पर आसीन पूर्वांचल के अध्यक्ष भाई संजीव सिंह जी, महिला शक्ति पूर्वांचल की अध्यक्ष नीलम यादव जी, इमरान भाई जो हमारे अल्पसंख्यक पूर्वांचल के अध्यक्ष हैं, पूर्वांचल के सचिवों और इस पूरे आयोजन में दिन रात समर्पित भाव से काम करने वाले और इस आयोजन का संचालन करने वाले साथी सत्येंद्र तिवारी जी यहां पर है, बहुत से चेहरे आपको पदयात्रा में नहीं दिखाई देते, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारे अवध प्रांत के कार्यकारी के संगठन के कर्ता धर्ता साथी सभाजीत सिंह जी है, जिन्होंने इस आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। इमरान भाई है, हमारे अवध के सीवाईएसएस के यूथ के अध्यक्ष बंसराज जी, इस कार्यक्रम को बलिया में लगातार जब से हमारी एंट्री हुई है बल प्रदान करने वाले यहां के संघर्षशील जिलाध्यक्ष अमरेंद्र सिंह जी, सुशांत भाई, हमारे बीच में चांदना जी जो विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं दिल्ली में, वो भी आए हैं दिल्ली से, निर्मला जी हैं दिल्ली से आई हैं, मेरठ से हमारे साथी अंकुश जी, मनीष जी, इलाहाबाद के साथी, लगातार मैं चाहूंगा सारे इलाहाबाद के साथियों के लिए आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं। शिमला श्रेणी हो, अंजलि जी हो, जितने भी साथी हैं, संजय है, प्रचंड, उनका नाम ही प्रचंड है, तो उसी जोरदार तरीके से लगे। लखनऊ से आज प्रीतपाल जी भी आ गए, अनीता सैनी जी, अंजू सैनी जी हमारी संभल से आ गई, अपने आप को लोग रोक नहीं पा रहे हैं, जो इस पदयात्रा को देख रहे हैं, हमारे साथियों के पांव में छाले पड़ गए हैं, लेकिन वो उसी जज्बे के साथ, उसी मेहनत के साथ पूरी पदयात्रा को एक संकल्प बना के जिन मुद्दों को लेकर चले हैं, उत्तर प्रदेश को और पूर्वांचल को उन मुद्दों पर जगाना है, इस भाव से काम कर रहे हैं। और अपने दो साथियों का नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा, हमारे सबसे तेज चलते हैं, सबसे देखिए आप देखने में आपको छोटे लग रहे हो, पूरी यात्रा में सबसे तेज सबसे आगे दुनिया चलते हैं, कपिल भाई पर्चे बांटते रहते हैं, बहुत इन लोगों को इनको देख के हम लोग उत्साहित होते हैं कि भाई पदयात्रा में भी चल रहे हैं, आगे चल चल के पर्चे भी बांट रहे हैं। और इन सबके साथ ही मैं बता दूं, पंजाब से हमारे छह सात साथी लगातार साथी करणवीर तिवाना, जगदीप, संदीप, सारे साथी महेंद्र, ये सब लगातार चल रहे, जरूरी है ये सब लोग लगातार चल रहे हैं। मैं चाहूंगा पंजाब के साथी करणवीर के लिए एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए, और सभी साथियों को बरेली से हमारे साथी हैं सबको बहुत बहुत बधाई। साथियों ये बलिया की धरती है, और जब जब हम लोग बलिया आते हैं तो एक अलग प्रकार की प्रेरणा मिलती है, यहां की कहानियां इतिहास के पन्नों में दर्ज है, उसको हम पढ़ते हैं। 1857 में बलिया ने क्या किया, 1942 में बलिया ने क्या किया, मैं एक नाम लेना और भूल गया, राजेंद्र पहलवान जी और सहारनपुर के हमारे साथी, वो भी खड़े हो जाए, सहारनपुर वाले साथी, अपाल जी क्या नाम है, अपाल जी है आ गए, ये तो ये देखिए सहारनपुर से आके लगातार पहले दिन से यात्रा।
साथियों मैं आपको बता दूं बलिया के बारे में 1857 में बलिया ने क्या किया। ऐसा लगा 1975 में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, ऐसा लगा देश का संविधान ही खत्म हो जाएगा, संसद के विधानसभाओं के कोई मायने नहीं रहेंगे। तो इसी बलिया की धरती से लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी निकले और उनके नेतृत्व में लाखों नौजवानों ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की जेलों को भरने का काम किया। ये बलिया की प्रेरणा है, ये धरती की प्रेरणा है। इसलिए आपको बलिया का इतिहास जानना जरूरी है कि जब पूरा हिंदुस्तान नहीं आजाद हुआ था, बलिया को सबसे पहले यहाँ के क्रांतिकारियों ने आजाद करा दिया था। यह है यहाँ का इतिहास। इसलिए इस धरती से प्रेरणा मिलती है। चंद्रशेखर जी ने पूरे देश के अंदर पदयात्रा की, हम लोगों ने तो 200-250 किलोमीटर की एक छोटी सी पदयात्रा की, लेकिन उनके नेतृत्व में पूरे देश के अंदर पदयात्रा हुई थी। 1975 से लेकर 77 का जो समय हिंदुस्तान के अंदर रहा है, हम लोग अन्ना के आंदोलन को देखे हैं, उसमें शामिल भी हुए हैं, उसमें लोगों का उत्साह भी हमने देखा है। लेकिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में एक साल तक अपने कॉलेज, अपने स्कूल, अपने सारे काम, अपनी पढ़ाई छोड़ छोड़ के नौजवानों ने मेडिकल के साथ, इंजीनियरिंग के साथ, डिग्री कॉलेज के साथ उन्होंने आंदोलन किया, लाठियां खाई, जेल भी गए। तो मैं इसलिए आपसे बात कहना चाहता हूं, जितना कष्ट हम लोग इस पदयात्रा के माध्यम से झेल रहे हैं, ये नगण्य है, कुछ भी नहीं है उसकी तुलना में, जितना त्याग और बलिदान हमारे वीर सपूतों ने, हमारे लोकतंत्र रक्षक सेनानियों ने इस देश के लिए किया है। साथियों, आज एक अघोषित आपातकाल की स्थिति है देश में, मोदी जी का राज है, आप कुछ बोल नहीं सकते, आप आजादी से कुछ कर नहीं सकते, चुनी हुई सरकारों को काम नहीं करने दिया जाता। एक सरकार आम आदमी पार्टी की बनी दिल्ली में, पहले तो हम राजनीति में आना नहीं चाहते थे, हमने कहा एक कानून बना दो भ्रष्टाचार के खिलाफ, लोकपाल का कानून, और उस कानून के लिए छोटे छोटे बच्चे हाथ में तिरंगा लेके निकले, अन्ना जी के साथ गलियों में निकले, चौराहों पर निकले, पूरे हिंदुस्तान के अंदर निकले। हमने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल कानून बनाओ, कोई भी भ्रष्टाचार करता है, कोई भी रिश्वतखोरी करता है, मंत्री हो या संतरी, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, उसको कारण पकड़ के जेल के अंदर डाला जाना चाहिए, ये कानून हिंदुस्तान में बने। तो हमारे नेताओं ने कहा कानून बनाना है तो राजनीति में आओ, कानून बनाना है तो राजनीति में आओ। जब हम राजनीति में आ गए तो कहते हैं चुनाव जीत कर दिखाओ। जब हमने 2013 में पहली बार ही सरकार बना ली, हमने कहा लोकपाल बनाओ, बोले नहीं बनाएंगे, छोड़ के चले गए, तो बोले तो छोड़ के भाग गए। हम दोबारा आए, चुनाव में हमको 70 में 67 सीटें मिली, तब उनको लगा ये लोग सीरियस लोग हैं, गंभीर लोग हैं, ऐसे हिंदुस्तान की राजनीति से जाने वाले नहीं है। जब 67 सीटें आ गई तो कहने लगे इनको अनुभव नहीं है। क्या कहने लगे? क्या कहते हैं हमारे बारे में? कहते हैं टोपी वालों को अनुभव नहीं है। मैं बेईमानों तुमको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, टोपी वालों को कोई अनुभव हो ना हो, लेकिन किसी तहसील में, किसी अस्पताल में, किसी पुलिस विभाग के दफ्तर में 4 टोपी वाले चले जाते हैं तो अच्छे अच्छे अधिकारियों की हवा खराब हो जाती है। यह अनुभव है, यह अनुभव है हमारा। और बिल्कुल ठीक कहा तुमने, हमको 2G का घोटाला करने का अनुभव नहीं है, हमको कोयला का घोटाला करने का अनुभव नहीं है, हमको रक्षा सौदे में दलाली खाने का अनुभव नहीं है, हमको शहीदों के ताबूत में घोटाला करने का अनुभव नहीं है, हमको धनिया बेच के 1000 गुना मुनाफा कमाने का अनुभव नहीं है, लेकिन अनुभव है हिंदुस्तान की सड़कों के खाक चान के, हिंदुस्तान के लोगों को जगा के बेईमानों से लड़ने का, अपना हक लेने का अनुभव हमारे पास है। क्या आम आदमी पार्टी की फौज के पास है, क्योंकि हम जानते हैं कि लोकतंत्र हमको बहुत आसानी से नहीं मिला है। साथियों,
ये लोकतंत्र मिला शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी से, शहीद सुखदेव की कुर्बानी से, शहीद राजगुरु की कुर्बानी से, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की कुर्बानी से, शहीद अशफाकुल्ला की कुर्बानी से, शहीद राजेंद्र हरी की कुर्बानी से, शहीद रोशन सिंह की कुर्बानी से, और 16 साल के खुदीराम बोस ने जब फांसी के फंदे को छुआ तभी मुल्क आजाद हुआ है। किसी नेता के, किसी भाजपाई, किसी कांग्रेसी के त्याग और बलिदान से हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ। ये हमारा हिंदुस्तान है, हमारे पुरखों का हिंदुस्तान है, ये आम आदमी का हिंदुस्तान है, और आम आदमी के हिंदुस्तान के अंदर आम आदमी का हक उसको मिलना चाहिए। हमारे पैसे से सरकारें चलती हैं। ये डीएम की तनख्वाह कौन देता है? हमारे टैक्स के पैसे से। ये एसपी की तनख्वाह कौन देता है? हमारे टैक्स के पैसे से। विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, इनका कार्यालय हो, इनके कार्यालय में चलने वाले एसी हो, हम भी सांसद हुए हैं, अगर तनख्वाह मिलती है तो आपके टैक्स से पैसे से मिलती है, आपके प्रति हमारी जवाबदेही है। हम आपके सेवक हैं, हम आपके मालिक नहीं है, हम आपके मालिक नहीं है। लेकिन इन नेताओं को गलतफहमी हो गई कि वो इस देश के राजा हैं, वो इस देश के मालिक हैं। इनको गलतफहमी हो गई अधिकारियों को कि वो डंडा चलाकर थाने में जाइए तो ऐसे हमारे साथ व्यवहार किया जाता है। हमारे टैक्स के पैसे से थानेदार तनख्वाह पाता है, हमारे टैक्स के पैसे से सिपाही तनख्वाह पाता है, हमारे टैक्स के पैसे से एसपी और डीएम तनख्वाह पाते हैं, लेकिन हम थाने में चले जाते हैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए तो माँ बहन की गालियों से हमारा स्वागत किया जाता है। ऐसा लगता है हम पाकिस्तान की धरती में आ गए हैं। हमारी लड़ाई आम आदमी को उसका हक और उसका सम्मान दिलाने के लिए है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, आपके नोट से देश की सरकार चलती है, आपके नोट से देश की सरकार चलती है। आप वोट देते हो तो विधायक बनता है, आप वोट देते हो तो सांसद बनता है, आप वोट देते हो तो मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनता है, और जब सरकार बन जाती है तो सरकार कहती है बलिया के लोगों, उत्तर प्रदेश के लोगों, हमारे पास पैसा नहीं है, सरकार के खजाने में पैसा दे दो। तो आप सेल टैक्स देते हो, इनकम टैक्स देते हो, वाटर टैक्स देते हो, हाउस टैक्स देते हो, रोड टैक्स देते हो, 50 तरीके का टैक्स सरकार के खाते में आप देते हो, उस पैसे से सरकार चलती है। तो नोट भी आपका, वोट भी आपका, और सिर्फ आपके हिस्से में चोट आती है। इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। ये व्यवस्था हिंदुस्तान के अंदर नहीं चलनी चाहिए। ये हमारा मुल्क है, हमने इसको लड़कर अंग्रेजों से आजाद कराया है, और आप 70 साल की आजादी के बाद कहते हो ताजमहल तोड़ डालो। दुनिया में, विश्व में 8 आश्चर्यों में शामिल, दुनिया के आश्चर्यों में शामिल ताजमहल, मोहब्बत का प्रतीक ताजमहल, भाजपा ही कहते हैं ताजमहल तोड़ डालो इसलिए कि इसको मुगलों ने बनाया। अरे बेईमानो, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया, और आजादी के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा हिंदुस्तान 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का है, किसी मुगल और किसी अंग्रेज का नहीं है। इतनी बात तो समझ लेते, लेकिन तुमको तो अभी भी लगता है कि मुगलों का ताजमहल है, तुमको अभी भी लगता है लाल किला मुगलों का है। अपनी मानसिकता को बदलो, तुम मानसिक रूप से बीमार हो चुके हो भाजपाइयों, अपना इलाज कराओ, और इलाज नहीं हो सके तो आम आदमी पार्टी में आकर ट्रेनिंग लो, हिंदुस्तान के बारे में जानो, समझो, हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता को जानने का काम करो। मैंने तो भाजपाइयों से कहा, भाजपाइयों अगर ताजमहल मुगलों ने बनाया तो कुतुब मीनार भी मुगलों ने बनाया है, उसको भी तोड़ डालो। जीटी रोड भी मुगलों ने बनाई, उसको भी तोड़ डालो। पार्लियामेंट अंग्रेजों ने बनाया, उसको भी तोड़ डालो। राष्ट्रपति भवन भी अंग्रेजों ने बनाया, उसको भी तोड़ डालो। और लाल किले से जहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं वो भी मुगलों ने बनाया, उसको भी तोड़ डालो। हिंदुस्तान तोड़ने से नहीं, हिंदुस्तान जोड़ने से आगे बढ़ेगा। इस बात को तुमको समझना होगा, तुमको इस बात को समझना होगा कि यह देश है जहां रसखान को पढ़कर हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। तुमको यह समझना होगा कि वो हिंदुस्तान है जहां बिस्मिल्लाह खान की सेनाई संकट मोचन के मंदिर में गूंजती है। ये वो हिंदुस्तान है जहां मलिक मोहम्मद जायसी को पढ़कर पद्मावत के बारे में लोग जानते हैं। ये वो हिंदुस्तान है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। इस हिंदुस्तान
करते हो, भाई से भाई को लड़ाने की बात करते हो, कभी लव जिहाद की बात करते हो, कभी एंटी रोमियो की बात करते हो, कभी गाय की बात करते हो, कभी बकरी की बात करते हो, कभी मंदिर की बात करते हो, कभी मस्जिद की बात करते हो। अरे हम तुमसे ये पूछना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के किसानों को उनके फसल का 1.5 गुना दाम कब मिलेगा, उनका कर्जा कब माफ होगा, हमको इसका जवाब दो। हमारे बच्चों को पीने का साफ पानी और अच्छी शिक्षा कब मिलेगी, इसका जवाब दो। हमको बताओ कि दिमागी बुखार से जो बच्चों की मौतें पूरे पूर्वांचल में हो रही है वो कब रुकेगी, हमको इसका जवाब दो। ये मंदिर मस्जिद की तुम्हारी नौटंकी हमने बहुत देख ली, तुमने बहुत नारे लगाए, रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। पूरे हिंदुस्तान में ईटा के नाम पे पैसा बटोरा, मंदिर के नाम पे पैसा बटोरा, राम के नाम पे भी दलाली खाई। मैंने तो इनके लिए लिखा भाजपाइयों के लिए कि सीता मैया दुखी है भाजपा के काम से और सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से, मंदिर के नाम पे भी पैसा खा लिया। उनके नहीं हुए जो राम के नहीं हुए। क्या कहा था मोदी जी ने 4 साल पहले आए बनारस में, तो बोले गंगा मैया ने हमको बुलाया है इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। 4 साल हो गए, 3600 करोड़ रुपए गंगा की सफाई पे खर्चा हो गया, 3600 करोड़ रुपए गंगा नैली की नैली है। जो गंगा को धोखा दे सकता है, जो राम को धोखा दे सकता है, वो हमारा आपका कहीं नहीं हो सकता। इस बात को याद रखना। और भाजपाइयों का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने तो जो हिंदू धर्म पढ़ा है वो हिंदू धर्म कहता है वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, हम विश्व गुरु रहे हैं, पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। और जो हिंदू धर्म पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है, वो ईसाई को भी अपने परिवार का हिस्सा मानता है, सिख को भी अपने परिवार का हिस्सा मानता है, मुसलमान को भी अपने परिवार का हिस्सा मानता है, बौद्ध को भी जैन को भी अपने परिवार का हिस्सा मानता है। हम नफरत की बुनियाद पे हिंदुस्तान को नहीं बनाना चाहते, हम मोहब्बत की बुनियाद पे हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं मारो काटो लोगों को बर्बाद करो, और हम कहते हैं बेघर बेघर लोगों को आबाद करो। ये हमारी राजनीति का हिस्सा है। दिल्ली के अंदर हमारी सरकार बनी, क्या गुनाह किया हमने? हमने बिजली का दाम आधा किया, हमने पानी मुक्त करने का काम किया, हमने शिक्षा के स्तर को दुनिया में सबसे अच्छा बनाने का, देश में सबसे अच्छा बनाने का अभियान दिल्ली के अंदर चलाया, हमने मोहल्ला क्लिनिक खोला जिसकी चर्चा अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, दुनिया के तमाम देशों में हो रही है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो, इकोपी और से सीखो। हमने ताज फ्लाईओवर के निर्माण में 300 करोड़ रुपए बचाने का काम किया, हमने जवान की शहादत पर 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि देने का काम किया, हमने 50,000 रुपए हेक्टेयर किसानों को मुआवजा देने का काम दिल्ली के अंदर किया। और जब हम दिल्ली में अच्छे काम करने लगे तो ये लाख साहब का डंडा हमारे ऊपर चला रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी के लाख साहब के डंडे को तोड़कर फेंकने का काम किया है। मैं बधाई देना चाहता हूँ देश के सर्वोच्च न्यायालय को, उसका सम्मान करना चाहता हूँ, उसके आगे सिर झुकाना चाहता हूँ। उस फैसले से ये साबित हो गया कि लोकतंत्र के अंदर आम आदमी के वोट से हिंदुस्तान चलेगा, आम आदमी के वोट से लोकतंत्र चलेगा, किसी लाख साहब के डंडे से लोकतंत्र नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लोकतंत्र का स्तंभ मजबूत हुआ है, देश का संविधान मजबूत हुआ है, देश का आम आदमी मजबूत हुआ है, देश का किसान मजबूत हुआ है, झुग्गी में रहने वाला मजबूत हुआ है, ऑटो में रहने वाला मजबूत हुआ है, माइनॉरिटीज और दलित जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं वो मजबूत हुए हैं, क्योंकि हम आज आम आदमी की आवाज को उठाने की बात करते हैं और ये आम आदमी को लिंचिंग करा के मारने की बात करते हैं। गाय के नाम पर तुम इंसान का कत्ल करने की बात करते हो, दलित मोच रखा के चला जाएगा उसको पकड़ के मारने की बात करते हो, गरबा में चला गया दलित तो उसको पकड़ के मार दिया। अरे कहां से शुरू करें कहां खत्म करें? वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं नगरा के लोगों से, आदमियत को बचाने की जरूरत है, इंसानियत को बचाने की जरूरत है, उत्तर प्रदेश को बचाने की जरूरत है,
बलिया के इतिहास को बचाने की जरूरत है। और अगर हमको बलिया का इतिहास याद है, उत्तर प्रदेश की सर्जरी की क्रांति याद है, तो हमको इस भ्रष्टाचारी के खिलाफ, इस नोटबंदी और जीएसटी का कानून लाने वाली सरकार के खिलाफ, नीरव मोदी, ललित मोदी और विजय माल्या को हजारों करोड़ रुपया लुटवाकर हिंदुस्तान से विदेश भेजने वाली सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए, आंदोलन करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा और इनके खिलाफ अंतिम दम तक लड़ने की तैयारी करनी होगी। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अंत में ही लाइनों के साथ आज जो हालात है मुल्क के, उसके उसके उसको याद करते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि दर्द के एहसास को सैर सुखन तक ले चलो, दर्द के एहसास को सैर सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों के अंजुमन तक ले चलो, और जो गजल मासूम के जरों से वाकिफ हो चुकी उसको बेवा के माथे के सिकन तक ले चलो, उसको बेवा के माथे के सिकन तक ले चलो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अभी एक क्रांतिकारी गीत है, वो गीत गाने के बाद हम लोग यहां से सभा विसर्जित करेंगे। रुके न जो, रुके न जो, दुखे न जो, कभे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हमी तो भाव है। रुके न जो, रुके न जो, रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके। आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी न पी सके, आदमी न पी सके। मालिको मालिको मजदूर के, नौकरों हुजूर के, फर्क तो मिटाएंगे समान लाएंगे। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, कभे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हमें तो भाव है। रुके न जो, रुके न जो, मानते नहीं है फर्क हिंदू मुसलमान का, हिंदू मुसलमान का, हिंदू मुसलमान का। जानते हैं रिश्ता इंसान से इंसान का, इंसान से इंसान का, इंसान से इंसान का। जाति के, जाति के, धर्म के, भाषा और देश के, फर्क को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हमी तो भाव है। रुके न जो, रुके न जो, रुके न जो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। Yeah.